इंसान तबाकी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों को हुआ क्या है? क्या तुमने कुछ खा लिया जिससे तुम इतने छोटे हो गए? ये हमारा नॉर्मल साइज है। अच्छा मजाक है। बिल्कुल भी फनी नहीं है। हम यहाँ फंस गए हैं और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो क्या हमें तुम प्लीज आजाद करोगे? एक मिनट, तुम्हारा मतलब तुम असली शेर खान और तबाकी नहीं हो? हम जंगल के छोटे लोग हैं, हमें हमारे लीडर ने भेजा है। चुप हो जाओ बेवकूफ। तबाकी की इतनी हिम्मत कि वो शेर खान पर गुस्सा करे, ये बड़ी दिलचस्प बात है। सुनो बच्चे, अगर तुम प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो तो हम अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। एक मिनट, क्या तुम ही वो कीड़े हो जो हर रात हम पर हमला करते हो? अब उसे पता चल गया हमारा काम। चुप रहो, ये बस छोटी सी गलतफहमी है। पिछले 3 दिनों से तुमने जंगल के सभी जानवरों की नाक में दम कर रखा है और तुम इसे गलतफहमी कहते हो? उसे सब बता दो, मैं मरना नहीं चाहता। वादा करते हो हमें चोट नहीं पहुँचाओगे? वादा? बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारा इरादा है तुम्हें जंगल से बाहर करने का। मैं कुछ समझा नहीं, क्या हम साथ में नहीं रह सकते? हमारे मालिक ऐसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जंगल के वही एक राजा रहें, एक तानाशाह। क्या बकवास है, मैं जाकर उन्हें समझाता हूँ। कहाँ है वो, मुझे बता सकते हो? हमारे मालिक से बात करने का ख्याल अच्छा नहीं है। क्या करेगा वो मुझ पर हमला? मैं जंगल के इस नन्हे मालिक से बात करना चाहता हूँ। तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। वाकई तुम्हारा छुटकू मालिक मुझे मार देगा? मैं अभी दिखाता हूँ, इस पत्थर को हटाकर दिखाओ। तो क्या तुम मुझे अपने मालिक के पास ले जा रहे हो? ठीक है, अगर तुम मालिक को समझा सको कि तुम पर हमला ना करे तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। रास्ता दिखाओ, सवारी का इंतजाम मुझ पर छोड़ दो। मुझे डर लग रहा है, क्या होगा अगर मालिक हम पर नजर रखे हुए और उन्हें पता चला कि हम एक विशाल काय के साथ आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें होशियार रहना होगा, हो सकता है उन्होंने विशाल काय के लिए जाल बिछा रखा हो। बलू, क्या ये तुम हो? ओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। बस तुम मेरे दोस्त बलू जैसे दिखते हो। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुम मेरे कैदी हो। आउच, मैं यहाँ बातचीत और समझौता करने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बदमाश विशालकाय? मेरे सामने कोई नहीं हंसता है। तुम्हें इस तरह गुदगुदी नहीं करनी चाहिए थी। क्या कहा तुम्हें किसी ने? गुदगुदाया? माफ करना मालिक, मैं तो बस अपने नाखून तेज कर रही थी। मैं तो बस अपने नाखून तेज कर रही थी। क्या तुम चाहती हो मैं अपने नाखून तुम पर तेज करूं? लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया मालिक। तुमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये तो और भी बेहतर है। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? बहुत अच्छे, गिरफ्तार कर लो उसे। तुम कैदी को परेशान कर रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस उसके। क्या कहा, दुश्मन के साथ साजिश? जानती हो इसकी कीमत क्या चुकानी होगी तुम्हें? मुझे गुदगुदाने की वजह से तुम इसे कैद नहीं कर सकते? उसका अंजाम तो तुम्हारे अंजाम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। शायद घंटों तक दर्द से कराने पर तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। समझदारी से काम लो, हम बात कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हमें तुम्हारी इजाज़त नहीं चाहिए, हम यहाँ के मालिक हैं, हमें जो चाहिए वो लेंगे और तुम किसी न किसी तरह से यहाँ से गायब हो जाओगे। यहाँ का मालिक कोई है तो वो हम हैं। तुम ये लड़ाई हार जाओगे, भले तुमने मुझे पकड़ लिया है लेकिन बाकी जानवर भी तो हैं। जानता हूँ, मेरे खबरी चारों तरफ हैं। सुना है कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर जा रहे हैं। बातें बहुत हो गई, चलो अभी इसे खत्म करते हैं। तुम जितने छोटे हो उतने ही बुरे हो। तुम्हें जो कहना है कह लो, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि मैं कैद नहीं हूँ और तुम आजाद, ये सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम चालाक नहीं हो। तुम कह सकती थी कि तुम उसे सजा दे रही हो। हमने मालिक से कहा कि हम उसे खुफिया शहर लेकर आए हैं ताकि हम उसे मार सकें। तुम्हारी वजह से मैं बचकर भाग भी नहीं सकती। ये हमारी वजह से नहीं है, वो हमारा मालिक है, वो बहुत ही बेरहम और खून का प्यासा है। हमें उससे छुटकारा पाना होगा, उसने अब हद कर दी है। पैंथर को अब जाना ही होगा, इसमें सिर्फ वो विशाल का ही मदद कर सकता है। लेकिन अब जब वो कैद में है तो हम जरूर नाकामयाब होंगे, ये भी बहुत खतरनाक है, मैं हार मानता हूँ। सिर्फ विशाल का ही मुझे और हम सबको बचा सकता है, तुम्हें उसकी मदद करनी ही होगी। और अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मालिक को बता दूंगी कि तुम दोनों गद्दार हो।
तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मालिक का दिमाग खराब है और वो बल्लू जैसा दिखता है। वैसे मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि हमारे मालिक ने एक जहर तैयार किया है, एक बहुत ही खास तरह का जहर। ये जहर तुम्हें पागल कर देगा और इसे निगलने के थोड़ी देर बाद तुम्हें लगेगा कि तुम एक चींटी हो। अगर किसी ने मुझे कहा होता कि शेर खान और तबाकी मुझे बलू से बचाएंगे। क्योंकि तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचा सकते हैं? मुझे ये दोनों शुरू से पसंद नहीं थे, मुझे पता था ये तुम्हें धोखा देंगे। क्योंकि इन्हें अपने विशालकाय दोस्त से इतना प्यार है, हमें इन्हें अलग अलग नहीं रखना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये बहुत करीब रहें। उम्मीद है तुम्हें भूख लगी होगी। मैं मरने के लिए बहुत छोटा हूँ। इस छोटे से नाश्ते के बाद तुम्हें एक नया शरबत आजमाना है, तब तुम्हें पता चलेगा कि कीड़ा बनने में कितना मजा आता है। लेकिन उसके लिए मेरा मुंह खुलवाना पड़ेगा। वो कोई परेशानी नहीं, तुम अपना मुंह खोलोगे, यकीन मानो। चिंता मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। गुदगुदाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूँगा। लगता है ये अपने आपे में नहीं है मालिक। मैं तुम्हें निगलने नहीं वाला हूँ। तुमने सही कहा, ये बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है, लेकिन इस वजह से मैं इसकी चीर फाड़ करने से नहीं कतराऊंगा। शांत हो जाओ मोगली, हम सब यही हैं और सब कुछ ठीक है। और छोटा बलू तुम जैसा बिल्कुल नहीं था। पीछे मुड़ो, तुम्हें और बाकी सबको अकेली रहने वाली मकड़ियों ने काटा था। मुझे इलाज मिल गया, लेकिन तुम हिलना बंद करो। सब कुछ बहुत ही अजीब था। बलू, तुम मेरे ऊपर क्या लगा रहे हो? कुछ और चीजों के साथ पिसी हुई मकड़ी। लेकिन तुमने तो कहा था कि हम सबको मकड़ियों ने काटा है, और तुम हमारा इलाज भी मकड़ियों से ही कर रहे हो। दरअसल हाँ, कुदरत ऐसे ही काम करती है, हम सबके अंदर थोड़ा जहर और उसका एंटीडोट होता है। और क्या हमारे अंदर गहराई में छोटे छोटे बुरे लोग भी रहते हैं? अगर तुमने एक और बार अपने सपने के बारे में बात की तो मैं अपने अंदर के छोटे बघेरा को बाहर निकालूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने कितना अजीब सपना देखा, मैं बहुत छोटा था और मोगली एक कीड़ा।